भाइयों, पिछली बार आप लोगों ने एक वैसे व्यक्ति को यहां से चुना, भाई ड्रामा तो बड़ा अच्छा कर लेता था, जो रामलीला चल रही है उसके अंदर रोल तो ये बड़ा अच्छा अदा करता है, परंतु काम के लिए नहीं। इसको 8 तारीख के बाद कह दे भाई आप रोल करना अच्छा करते हैं, आप इनको वहीं पर भेजने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, एनआईटी की जनता को विश्वास दिलाता हूं, यह सरकार काम करने वाली सरकार है। परंतु जो आज यहां से विधायक चुना गया था गलती से, भाइयों उसके पास विजन नहीं था, उसके पास नियत भी नहीं थी, उसकी नीति भी नहीं थी। अगर उसकी नियत होती भाइयों ये शब्द न बोलता जो शब्द उसने यहां से बोले हैं। उसने कहा हुड्डा साहब एक झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं, घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है। सबसे पहले अगर किसी की प्रतिक्रिया आई तो भाइयों आपके ही यहां थे कांग्रेस के प्रत्याशी की आई। और वो बोलता है, क्या बोलते है कि हुड्डा साहब 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आ रही है। भाइयों हिस्सेदारी पहले शुरू कर दी। हरियाणा की एक कहावत है, ना सूत ना कपात और लठम लठ हो रहे हैं, बांधने के ऊपर खड़े हो गया। अभी तो ना सरकार दिख रही है, ना सरकार कांग्रेस की आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मैं एनआईटी के लोगों का विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी है। आने वाले समय के अंदर आपका भाई बेटा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम करेगा, किसी गरीब व्यक्ति का 5 पैसा नहीं लगेगा। भाइयों हमने गति से काम किया है, ये लोगों की मंशा ये स्पष्ट हो रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। और भाइयों एक और इनका विधायक करनाल जिला से है, असन से चुनाव लड़ रहा है। भाइयों वो बोलता है कि हमारी सरकार आ रही है और लोगों के बीच में बोलता है, कहा घपलों से बगैर सरकार नहीं चलती, घपले करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो कहा मैं अपना घर भरूंगा, फिर जो मेरे नजदीक होंगे फिर उनका भरूंगा, जनता बाढ़ में जाए, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये तो अपने को कैसे मजबूत हो उसकी चिंता करते हैं, जनता की चिंता नहीं करते हैं। भाइयों